जेईई मेंस 2023 के आपके 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड जैसा कि हमें स्टूडेंट से यहाँ पे इनिशियल रिएक्शन मिले हैं उसके बेसिस पे आपके लिए पेपर रिव्यू हम लेके आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिक्स का जो आपका पोर्शन था वो इजी टू मॉडरेट के आसपास देखने को मिला, जो कि हमें जनवरी शिफ्ट के भी इनिशियल पेपर्स में देखने को मिल रहा था। तो ट्रेंड कुछ सेम सा ही जो है देखने को मिल रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पीवाईक्यूस आपके काफी ज्यादा यूजफुल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट्स जो है आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। देन केमिस्ट्री अगर हम बात कर ले तो केमिस्ट्री का सेक्शन आपका मॉडरेट के आसपास था, ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम सब्जेक्ट के वाइज बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी में तो फिजिक्स से थोड़ा टफ जो है केमिस्ट्री लग रहा है स्टूडेंट्स को। देन मैथ्स तो हमेशा से स्टूडेंट्स को टफ लगता है। अब मैथ्स की अगर बात कर ले तो मैथ्स टफ से ज्यादा लेंथी साइड पे था। तो ये चीज है कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पकड़ के बैठना था और उनको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे आपके एक अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। फिर भी जो है मैथ्स का सेक्शन आपका जनवरी अटेम्प्ट से थोड़ा इजियर साइड पे ही आया। ओवरऑल पेपर लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट के आसपास देखने को मिला। और केमिस्ट्री में जो है आपका इनऑर्गेनिक का वेटेज ऑर्गेनिक से थोड़ा सा ज्यादा था एंड फिजिकल के ज्यादातर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिले। अब यहाँ पे मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात कर ले तो स्टेटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन था, मैथमेटिकल रीजनिंग से था एंड स्टेटिस्टिक्स में जो है आपका वेरियंस वाला ही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। देन यहाँ पे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन था, वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन था और बाकी जो आपके मैथ्स के इजी टॉपिक्स हो जाते हैं एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सबसे भी क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ अगर हम थोड़े से यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक्स में बात कर ले तो 3D एंड वेक्टर से 3 क्वेश्चन थे, फिजिक्स में आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से थे, देन PNC और प्रोबेबिलिटी मिला के जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटीग्रल्स में स्पेसिफिकली डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आया था और ये चीज मैं हमेशा से आपको कहा है कि इनडेफिनेट से ज्यादा डेफिनेट से ही क्वेश्चन पूछे जाते, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना। अब लास्ट में कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहूंगा मैं नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स को कि फिजिक्स में जो है फॉर्मुलेस बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिल रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है आपको NCERT से ही जो है क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, तो NCERT अगर आपकी स्ट्रांग है तो यहाँ पे आप पेपर जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैथ्स में स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पकड़ लेना जो कि ईजी है, अगर उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको एक अच्छे परसेंटाइल मिल सकते हैं। बाकी जो हमारी जेईई मेंस की मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज है उनसे भी काफी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो सिर्फ 6 घंटे में जो है आप इस पूरी सीरीज को यहाँ पे निपटा सकते हो। उसकी लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पे पिन कमेंट में डाल दूंगा। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे पेपर खत्म हो चुका है वो दूसरी एग्जाम्स के प्रिपरेशन पे लग जाए क्योंकि अभी भी जो है आपकी पूरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे आपके पास मौका है कि बिट्स पिलानी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे कोर्सेस हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है एंड VIT EEE जो दे रहे हैं उनके लिए भी हमने बूस्टर पैकेज को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो वो भी जाके आप जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कल एक बढ़िया वीडियो यहाँ पे आने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हमें आज की दोनों शिफ्ट में देखने को मिले, तो उस वीडियो को भी आप जो है मिस मत करिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।